शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कॉटन मार्केट में दुकानदार मनपा के आदेश से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। एक सप्ताह में दुकानदारों को दुकान खुले करने की इजाजत दी गई है। इस बात पर दुकानदारों का यह कहना है कि एक दिन का आदेश यदि होता तो इसका फायदा सभी दुकानदारों को होता। 250 लोक आहे जवळपास परवाना धारक, ज्यांना घाऊक विक्री करायची आहे। सकाळी 4 ते 8 वाजेपर्यंत त्यांची दुकानं ओपन करून विक्री करायची आहे। साधारण एका दिवशी 40 ते 45 लोक येतील या पद्धतीने नियोजन केलेलं आहे। त्यांना सोशल डिस्टन्सिंग आणि कोरोनाशी रिलेटेड ज्या म्हणजे ज्या राबवायच्या मास्क घालणे, सॅनिटायझेशन करणे, या सर्व गोष्टी करून इथे आपल्याला नियोजन केलेलं आहे। त्याप्रमाणे यांना आपण आव्हानही केलेलं आहे की त्या पद्धतीनेच बाजार हा चालवला जावा। नाही, सहसा तुम्ही जर बघाल तर ही जी भाजीची घाऊक विक्री आहे ही पहाटे 4 वाजेपासूनच सुरू होत असते। त्याप्रमाणेच आपण हे मागचा जो अनुभव आहे किंवा त्यांच्या ज्या कार्यपद्धती आहेत त्याला अनुसरूनच ही वेळ ठेवलेली आहे। सध्यासाठी त्यांना घाऊक विक्रीसाठीच परवानगी दिलेली आहे। त्यांच्याकडून निवेदन आलं तर त्याही संदर्भात ते निर्णय घेतील, माननीय आयुक्तांकडे ते पाठवू। किरकोळ विक्रीसाठी सध्या आलू कांदा त्यांनासुद्धा परवानगी दिलेली नाही आहे, सर आलं तर ते करतील निश्चितच। दर्शकों, इस समय में इनबीसीएन की टीम कॉटन मार्केट में आई है। हम आपको बता दें कि ये वही कॉटन मार्केट है जहाँ पे आलू, सब्जी, लहसुन और अदरक इनकी बहुत बड़ा यहाँ पे शॉप है। तकरीबन 90 के आसपास यहाँ पे दुकानें हैं। ये तमाम लाइन जो दिखाई दे रही है, कुछ दुकानें बंद दिखाई दे रही है तो वहीं कुछ दुकानें शुरू भी है। आप थोड़ा पहन करके बताइए कि किस तरह से यहाँ एक अदरक और लहसुन की यहाँ पे दुकान है जो यहाँ पे शुरू है, तो वहीं प्याज और आलू की भी दुकान शुरू है। लेकिन मनपा प्रशासन ने कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए भीड़ ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कुछ नियम जो है वो इनके ऊपर में लागू किए हैं, जिसके तहत सप्ताह में एक दिन इनकी दुकानें शुरू रहेगी। खास बात तो यह है कि इनकी जो दुकानें हैं इनका समय सुबह 4 बजे से लेके पैटिया 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक का है। सुबह 4 से 6 बजे का एक अगर समय देखा जाए तो ये लोगों को आराम फरमाने का समय होता है, गहरी नींद में लोग होते हैं। लेकिन अब लोगों को यदि लहसुन या फिर अदरक, प्याज हो या आलू हो अगर ख़रीदना है तो क्या लोग पैटिया उठ के यहाँ आएंगे, ये भी एक सवाल बना हुआ है। ऐसे में आइए कुछ दुकानदारों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि मनपा द्वारा लिया गया ये निर्णय कितना सही है। भाई साहब, ये बताए कि जिस तरह से मनपा प्रशासन द्वारा एक लिस्ट जारी की गई जिसके चलते दुकानों का जो समय है वो अलग प्रकार से निर्धारित किया गया है, क्या लगता है आपको, आप एक दुकानदार हो, इतना इसका कितना अच्छा फायदा या कितना असर जिससे दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं ऐसे आपको लगता है? देखिए, मनपा ने जो समय जो दिया है सवेरे 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो ये जो टाइमिंग है सर कि यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं आता जनरली बात, क्योंकि एक आम आदमी अपने सारे काम धंधे नींद अगर छोड़ के अगर पैठिया 4 बजे तो निकलता नहीं है। और दूसरी एक बात, उन्होंने दिए हफ्ते में सिर्फ एक दिन, तो एक दिन में सिर्फ 4 घंटे के लिए हम जैसी माल लाए और माल लाने के बाद अगर वो बिका नहीं और फिर 6 दिन के लिए अगर बंद कर देंगे तो हमारा तो कितना एकदम लॉस हो जाएगा। कम से कम हमें जो टाइम चाहिए कम से कम 7 से लेकर 12 से 1 बजे तक का टाइम चाहिए हमें। यानी एक ऐसा है कि एक फैमिली वाला कोई बेचने वाला है, दुकानदार है जो यानी आने को होना, आज बस्ती में जो भी एक दुकानदार है उनको सवेरे 6 बजे दुकान लगाना पड़ता, उनके जो कस्टमर है दूध के, इसके उसके, वह हो साथ सवेरे, अब वो सवेरे 6 बजे अपनी दुकान छोड़ के तो आएंगे नहीं। अगर वो आएंगा ही नहीं तो फिर हम अपनी अपना माल हम किसको देंगे? हाँ सर, ये बताइए कि जिस तरह से दुकानों का जो समय जो था सप्ताह में एक दिन बोल रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या दुकानदारों के ऊपर में? कम से कम सप्ताह में एक दिन तो नहीं लेकिन अल्टरनेट यानी दिन देना चाहिए, अल्टरनेट, जैसे आज दिए तो कल की गैप परसों फिर से देना चाहिए। एक समय में कितनी दुकान शुरू रह सकते हैं अगर सप्ताह की बात किए तो? सप्ताह की बात की यानी हफ्ते में एक दिन, तो ये समझ लीजिए सिर्फ 40 से 50 दुकानें रहेंगी चालू पूरे मार्केट में। हफ्ते में अगर एक दिन देंगे अगर सबको तो एक दिन में सिर्फ 40 से 50 दुकान रहेंगी चालू। समय बदला कर इनको दिया दे सकते हैं या ये कहे कि सप्ताह में
अल्टरनेट डे एक दिन के गैप के बाद आने वाले दूसरे दिन इस तरह से भी इनको कामकाज दिया जाए, यानी दुकान खुली रहने की यदि मुभा दी जाए, छूट दी जाए, तो यकीनन इन लोगों का भी काम होगा, कोरोना वायरस से लड़ने वाले उन लोगों का भी काम होगा, और मनपा प्रशासन जो अच्छा कामकाज कर रही है उनका भी एक अच्छा काम होगा, बशर्ते हमें इन दुकानदारों के लिए कुछ अच्छी पर्यायी व्यवस्था या सुचारू ढंग से कामकाज चले, ग्राहक और दुकानदार इन दोनों के बीच एक ऐसा कामकाज हो जिसके चलते ग्राहक खुश, दुकानदार खुश और मनपा प्रशासन खुश। कॉटन मार्केट से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।